नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और नए हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने डीएलएड 2020 जो राजस्थान में टेस्ट होता है उसके बारे में जो फुल शेड्यूलिंग थी उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम ट्रिक्स, मतलब आपको बीएसटीसी का पेपर कैसे सॉल्व आउट करना है, क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आपके किस बेस पर आपको तैयारी करनी है, उसकी बेस्ट बुक, और उसके बारे में पूरी फुल सजेशन देने वाला हूँ ताकि आराम से आप 420 प्लस नंबर आ सकें और आपका सिलेक्शन ईजिली हो सके। दोस्तों, नॉर्मली बीएसटीसी में हमें देखा जाता है कि एक नॉर्मली प्री टेस्ट होता है, उसमें आपको लेवल वन के टीचर बनने के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, जिसमें ट्वेल्थ के अपेयरिंग या जो ट्वेल्थ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं परसेंटेज की भी उसमें एलिजिबिलिटी है, उसका भी है 50% से अबव है या फिर जो रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट है, तो उस अकॉर्डिंग जो भी है उस अकॉर्डिंग अगर आप बैठते हैं एग्जाम में तो आपकी एग्जाम ट्रिक क्या रहने वाली है, मतलब किस हिसाब से आपको पेपर को सॉल्व करना है, आप कैसे तैयारी करें, और उसके बारे में आज मैं फुल इंफॉर्मेशन वीडियो देने वाला हूं। दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। आपको इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही बहुत अच्छे से फुल डिटेल्स में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैं इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की अगर अपन तैयारी करते हैं, सबसे पहले तो हम बीएसटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। बीएसटीसी जो पहला था, उसके पहले बीएसटीसी के बारे में जाना जाता था बीएसटीसी, अब पिछले दो तीन सालों से उसका नाम बदल के डीईएलएडई हो गया, मतलब डीएड बोलते हैं इसको, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों, इसमें जो एग्जाम पेपर है, जो नॉर्मली प्री टेस्ट है आपका, अगर 400 प्लस नंबर आएंगे आपके तो आपको जो आपकी जो फर्स्ट चॉइस कॉलेज है वो इजीली मिल जाएगी 420 नंबर पे या 450 पे। लेकिन आपको अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो फिर आपको कहीं दूर जाके कॉलेज मिलेगी या फिर आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा, क्योंकि इसमें लगभग 4 लाख प्लस फॉर्म रहते हैं, इसमें 4 से 5 लाख फॉर्म रहते हैं और उसमें ओनली 22 से 1000 सीटें हैं मात्र। तो इसके हिसाब से आपको अच्छी सी रणनीति से तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें उसके सिलेबस को देख के चलना होता है कि उसमें क्या क्या एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, बीएसटीसी में आप सबको पता है ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पहले तो सबके सब क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं आपको, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद टोटली क्वेश्चन 200 होते हैं आपके सामने और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 4 पार्ट में पेपर मिलेगा आपको, ए पार्ट में मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो 50 × 3 करोगे आप तो 150 आपका टोटल बनेगा। तो ये पूरा हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसी प्रकार जीके के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, उसके बाद आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जो 60 नंबर के कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद अगर आप बीएसटीसी संस्कृत चूज करते हो, संस्कृत के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और बीएसटीसी सामान्य में हो अगर आप, तो आपको इंग्लिश हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उस अकॉर्डिंग आप आगे की जो पेपर है वो सॉल्व आउट करोगे। ये दोस्तों आपके सामने जो नॉर्मली शॉर्ट सिलेबस है ताकि आप उसको और देख के अच्छे से कर सकें। आप देख पा रहे हैं मेंटल एबिलिटी, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिक्षमता, भाषा योग्यता और संस्कृत हिंदी के जो व्याकरण के टॉपिक्स हैं वो इसमें आप आसानी देख पा रहे हैं। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से उसको सिलेबस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो दोस्तों दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो इसमें होते हैं ए टाइप के जो होते हैं, यहाँ पे जो ए हैं जो ट्वेल्थ अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जो ट्वेल्थ में अपेयरिंग करके प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जो बी टाइप वाले हैं जो पहले से मतलब इन्होंने एक दो बीएसटीसी के एग्जाम दे दिए हैं और अच्छे से उनके पास अभी तैयारी करने का समय है। दोस्तों, इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके पास तैयारी का बिल्कुल समय नहीं, क्योंकि उनके पास अभी ट्वेल्थ की बोर्ड की एग्जाम है, उसकी जो उनकी मेन प्रायोरिटी है तो उनको वो तैयार करना है, तो उनके लिए भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और बी कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं जिनके लिए अभी फुल अच्छा टाइम है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो दोनों के लिए मैं फुल स्ट्रेटजी और हर बुक के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन डिटेल्स देने वाला हूँ, उसकी इमेज, उस बुक के अंदर क्या क्या मटेरियल है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी एक बुक की स्पेशली, क्योंकि बीएसटीसी को इतना बड़ा एग्जाम नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। दोस्तों, 4 से 5 लाख फॉर्म में आपको 20,000 में सीट निकालनी है, तो मतलब इसमें थोड़ी बहुत तैयारी तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल आप फ्रेशर चले जाएंगे तभी। आज की डेट में ये स्थिति है कि इसमें सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मली एक बुक के अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब आप ज़्यादा उलझना नहीं चाहते, तो राय पब्लिकेशन की बुक या फिर लक्स पब्लिकेशन की जो 2020 की आ जाएगी, अभी ये 2019 का जो मैंने इमेज दिखा रखा है आपको, लेकिन 2020 की जो ये जैसे राय पब्लिकेशन की 2020 की बुक है तो इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें सारे पार्ट बहुत अच्छे से दे रखे हैं और दोस्तों मैं राय के अलावा आपको फिर जो दूसरी जो हेल्पफुल छोटी छोटी किताबें वो भी आपको साथ में बताने वाला हूँ ताकि आपको तैयारी और अच्छे से निखार आ सके। दोस्तों, राय की बुक के साथ आपको जो सॉल्व पेपर की जो बुक है वो आपको निःशुल्क मिल जाएगी ये वाली, तो ये बहुत ही अच्छी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि इसमें ओल्ड पेपर वगैरह सारे मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें शिक्षण अभिक्षमता, राय की या लक्ष्य की, इन दोनों में से जो भी बुक आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे लक्ष्य की बुक में भी 2008 से लेकर 18 तक के सॉल्व पेपर है, मतलब इतने सारे पुराने पेपर हैं। इन पेपर्स को आप देख के आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जाम के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्या रहता है, और उसके बाद फुल सिलेबस आधारित ये बुक है। तो राय या लक्ष्य की इन दोनों में से एक बुक आप श्योर ले लीजिए और उसको अच्छे से
पढ़िए और उसकी तैयारी कीजिए। अब दोस्तों लक्ष्य की बुक में जो मटेरियल आता है वो देख पा रहे होंगे आप, राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीटली दे रखा है। ये जो इमेज की जो लक्ष्य की बुक है उसके अंदर के इमेजेस है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश हिंदी ये भी कम्प्लीटली इसमें दे रखा है, और इसमें मानसिक योग्यता और शिक्षक अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि है, इसके भी पूरे टॉपिक्स दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको राय और लक्ष्य की जो भी बुक आप परचेस करते हैं उसमें से शिक्षण अभिक्षमता तो दोस्तों आपको इन बुकों में से पढ़नी है, इसमें से आराम से आपका काम हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इंग्लिश की व्याकरण की, इंग्लिश में जो व्याकरण है इसमें थोड़ा शॉर्ट आउट देखा रखा होगा, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में होगा और होना भी चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, इसमें केवल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो नॉर्मली अच्छे से पढ़ना है। और वैसे 12th तक जो व्याकरण पढ़ी है आपने, जो 12th में अपेयरिंग स्टूडेंट है उनको तो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि इससे इनका BSTC में भी बहुत फायदा हो जाएगा उससे। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो और थोड़ी बुक्स भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश हिंदी के लिए, जो क्या क्या बुक पढ़े वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए आप लक्ष्य राय की जो भी बुक लेते हैं वो तो पढ़ोगे ही, लेकिन उसके साथ आपको जो सिकवाल राजस्थान की मानचित्रावली आती है, सिकवाल पब्लिकेशन की उज्ज्वल राजस्थान मानचित्रावली, उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें मानचित्रावली के साथ साथ बहुत ही अच्छा मटेरियल दे रखा होता है और कई बार बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन इसमें शॉर्ट आउट हो जाते हैं, एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको जो राजस्थान जीके है, जो लक्ष्य राजस्थान जो भी बुक लेते हैं उसका तो पढ़ना ही है, उसके साथ आपको जो सिकवाल की मानचित्रावली है, उज्ज्वल राजस्थान मानचित्रावली, इस बुक को जरूर आपको देखना है। पतली सी बुक है, कोई ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, आप इजीली इसको आराम से पढ़ पाएंगे। और दोस्तों आपको इसके बाद हिंदी में देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो व्याकरण मिलेगी वो बहुत शॉर्ट मिलेगी, और BSTC में कोई इतना हैवी या फिर कोई हार्ड व्याकरण आती नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल व्याकरण देखने को मिलेगी आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है राजकीय विद्यालय में, जो निःशुल्क वितरण वाली, मतलब उसमें आपको जो गवर्नमेंट बुक डिपो है वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जो गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स होती हैं उन पे ये लोगो होता है, लेकिन आपको जो मार्केट में इजीली मिल जाएगी कक्षा 9 से 12 के हिंदी व्याकरण, इतना ऐसा ही व्याकरण आता है, इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण के लिए आप इस बुक को जरूर पढ़िए, इसमें जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स हैं उसमें बहुत ही अच्छा मैटर और टॉपिक्स दे रखे हैं, तो कंप्लीटली आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अगर रीजनिंग को देखिए दोस्तों, रीजनिंग ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से राइट कर पाएंगे। जीके आपने कितना भी पढ़ दिया लेकिन अगर वो क्वेश्चंस नहीं आया तो आपका क्वेश्चंस सही नहीं हो पाएगा, फिर आपको तुक्का ही मारना होगा। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका निखार आता जाएगा और उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे करते हो। क्वेश्चंस तो रीजनिंग में दोस्तों कई मेथड से हो सकता है, आप ऑब्जेक्ट्स जो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपको क्वेश्चन इजीली दिख जाएगा, कोई इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आती। तो 50 में से आप इजीली आराम से 42 प्लस आराम से क्वेश्चंस इसमें आपको रीजनिंग में कोशिश करनी है, और रीजनिंग आपका जो है वो स्कोरिंग अप करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल और आप इजीली कर सकते हैं, रीजनिंग में कहीं कोई समस्या नहीं। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको रामनिवास मथुरिया की जो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक है उसको कमेंट करूंगा, और आप जो ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन की आप तैयारी करें, आप ऐसा ना करें। रीजनिंग बहुत मोटी बुक है रामनिवास मथुरिया की, इसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके BSTC के सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उसी को पढ़े तो इसके लिए बहुत ही अच्छा आपको हेल्पफुल हो जाएगी अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम का अभाव है और आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जैसे 12th अपेयरिंग वाले तो फिर आप राय या लक्ष्य की जो एक बुक लाएंगे उसी को पढ़ना है, लेकिन अगर आप बी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी, तो आप रीजनिंग की जो रामनिवास मथुरिया की इस बुक को देख सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हो, इसमें जो टॉपिक हैं BSTC रिलेटेड उनका देख सकते हो, तो रीजनिंग में आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से 45 प्लस भी इजीली राइट कर पाओगे आप। तो दोस्तों रीजनिंग का देख लिया, अब हमने देखते हैं दोस्तों जैसे इंग्लिश जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खैर टाइम नहीं बचे पाए, उनको तो जो बुक्स है वही पढ़नी है, और अपेयरिंग वाले वैसे भी बोर्ड में जो व्याकरण होता है वो पढ़ते हैं ग्रामर वगैरह, तो उनके क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। लेकिन जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो इंग्लिश के लिए जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए पैरामाउंट की जो बुक है इसको देख सकते हैं एक बार, हिंदी वॉल्यूम 1 इसका लाना आप दोस्तों, इसमें अलग अलग कैटेगरीज की बुकें मिलती हैं हिंदी इंग्लिश, तो इसमें जो हिंदी वॉल्यूम 1 जो पैरामाउंट की बुक है इसको भी आप देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो लुसेंट की जो जनरल इंग्लिश है ये भी बहुत अच्छी बुक्स है जनरल इंग्लिश के लिए व्याकरण संबंधी, आपके बाद के एग्जाम में भी व्याकरण के लिए बहुत ही अच्छी हेल्पफुल मटेरियल, इसमें आप बहुत अच्छी ट्रिक तरीके सीख पाओगे इंग्लिश व्याकरण संबंधी। तो पैरामाउंट या लुसेंट इंग्लिश ये आप हिंदी इंग्लिश व्याकरण के लिए ये बुक देख सकते हो। रीजनिंग का मैंने बता दिया आपको, हिंदी के लिए भी एक अच्छे से बुक मैंने सजेस्ट कर दी है। और उसके बाद दोस्तों आप कभी भी अच्छे से तैयारी कर लेते हो, उसके बाद
तैयारी में आपका जो निखार आएगा वो आपके दोस्तों प्रैक्टिस सेट है जो मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करने से आएगा। कभी भी मॉडल पेपर दोस्तों आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाए उसके बाद सॉल्व करिए, उससे क्या होगा आप थोड़ा बहुत आपको पढ़ा हुआ होगा तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप अच्छे से पेपर सॉल्व आउट करेंगे। और मॉडल पेपर आपको सॉल्व आउट करके कंप्लीटली उसमें बार बार एक्सरसाइज करने की, जो राय का मैंने एक उदाहरण दे रखा है आपको सामने, आप चाहो तो लक्ष्य का भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ राय का ही लें, लक्ष्य का लो या फिर दक्ष का लो, बहुत से मॉडल पेपर मार्केट में अवेलेबल है 2020 BSTC के लिए, तो उनको ला के जरूर आप उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से अच्छे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। दूसरी बात दोस्तों, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों अब जो मैं एग्जाम हॉल में जाके आपको क्या करना ये कह रहा हूँ दोस्तों, चलो आपने तैयारी कर ली अच्छे से, अब आप पहुँच गए एग्जाम हॉल में। दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में जाके सबसे पहले तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको 200 में से जो 200 क्वेश्चन है वो सारे अटेंड करने हैं, बिल्कुल आपको जो भी लग रहा है जैसा भी लग रहा है लेकिन अटेंड तो करने अपने अकॉर्डिंग। दूसरी बात दोस्तों, राजस्थान जी की आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़ी ली। मानसिक योग्यता में दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट मानसिक योग्यता का मिलेगा जैसे आप पेपर ओपन करोगे, तो उसमें अगर आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करना है, बिल्कुल आप नहीं आ रहे हैं तो फिर उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि मानसिक योग्यता कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम खा जाती है, फिर बाद में जो पीछे का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है मानसिक योग्यता में ज़्यादा भी टाइम नहीं चला जाए, या फिर आप हो सके तो जो क्वेश्चन ईजी है वो पहले कर लीजिए आराम से, ओमरशीट में भर भी लीजिए, उसके बाद जो लास्ट में मानसिक योग्यता में जो टाइम बच जाएगा आपका लास्ट में, उस टाइम जो क्वेश्चन नहीं हो रहे मानसिक योग्यता के सॉल्व उनको आप कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपका एक्स्ट्रा टाइम जो बच जाएगा लास्ट में वो कर सकते हो। दूसरा, शिक्षण अभिक्षमता दोस्तों बहुत सरल है, इसमें भी आप अच्छे मार्किंग अप कर सकते हो, तो आपको अच्छे से जो भी बुक लेते हो लक्ष्य या राय की, तो उसमें शिक्षण अभिक्षमता के जितने टॉपिक हैं वो करने और मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो शिक्षण अभिक्षमता का टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 50 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आप आराम से 50 क्वेश्चन आप आराम से इसमें लूटमार मचा सकते हो, आराम से आपके एग्जाम का स्कोर है वो इसमें अप कर सकते हो। दूसरी बात, राजस्थान जी की आपको पढ़ना ही है, लक्ष्य राजस्थान मानचित्रावली आप पढ़ना ही है। दूसरी बात, व्याकरण के लिए मैंने आपको बता ही दिया, संस्कृत हिंदी जो भी आपका हिंदी है तो 9 से 12 की वो जो व्याकरणिक बुक है पतली सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसको आप पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन 100% आपके अटेंड हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहकर तैयारी करनी, सकारात्मक रहकर तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दें, ऐसा नहीं हो कि ओमर शीट को भी साथ साथ भरते रहें, आप एग्जाम में आप पेपर में ही पेपर सॉल्व करते रह जाएं और आपका ओमर शीट में भरना रह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल शांत मन से रह के अच्छे से ओमर शीट को फिलअप करना है, उसके बाद पूरा हर काम ध्यान से करना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपकी जो तैयारी है उसके मैंने वीडियो बनाया आपको और ये पूरा इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और किस एग्जाम की आपको बुक सजेशन चाहिए मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग आपको श्योर उसमें बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको अच्छी हेल्पफुल मिल सके और आप जो भी आपका एग्जाम्स है उसमें आप क्लियर भाई हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले और किसी जॉब रिलेटेड अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।